बेलगहना कुर्दर मार्ग पर विभाग द्वारा हर वर्ष पानी में बहाया जाता है पैसा। बेलगहना कुर्दर मार्ग पर चल रहा है घटिया निर्माण कार्य। बेलगहना के समीपस्थ ग्राम कुर्दर में इन दिनों रोड के किनारे साइडिंग पिचिंग का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड निर्माण और डामरीकरण का कार्य किया गया था, जो कुछ समय तक ही चल पाई, जिससे साफ पता चलता है कि जंगल के ऊपर करोड़ों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी इन दिनों ठेकेदार द्वारा साइड पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य घटिया सामग्री से किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो विभाग द्वारा हर साल लाखों की लागत से निर्माण कार्य कराया जाता है, लेकिन बरसात में सब पानी में बह जाता है। कहाँ ले इकट्ठा करे? नदी जैसे झिरी पटाते ना किनारे परमिशन ले है तुम्हें? जैसे पत्थर इकट्ठा करा था तो बोहा बोहा क्या है तुम्हारा, का परमिशन लेगा? अच्छा, जंगल कैसे? हाँ, जैसे अब नदिया टाइप उतरे है, पता नहीं भाई हम काले से आए। ये जो पत्थर है पहाड़ का, इसका क्या काम है? बस नीचे में झिरी पटाई तो मैं डाला है। कहाँ से इकट्ठा किए पत्थरों को? ये देख, छोटे छोटे नाला से। यही लोग पहाड़ वाला है? बोहा बोहा क्या है तेने? क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। जबकि इस रोड में रिसोर्ट और पर्यटन स्थल स्थित होने की वजह से उच्च अधिकारियों का आवागमन हमेशा बना रहता है, फिर भी ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस ओर न अधिकारी और न ही जन प्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है। पूर्व में समाचार के माध्यम से रास्ता कटने और मिट्टी बह जाने से कभी भी अप्रिय घटना होने की खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद अधिकारियों के द्वारा सर्वे कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता विहीन कार्य होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। कुर्दर मार्ग पर निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा रोड के किनारे 8 फीट और 9 फीट मिट्टी काटकर सीमेंट गिट्टी से भरने का कार्य किया जा रहा है। न ही वहां पर काम कर रहे ग्रामीणों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और न ही आम राहगीरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने पूछा तो वहां काम कर रहे मजदूरों ने कहा कि आप लोग इतने खतरे का काम क्यों करते हो कि बिना सेफ्टी के? तो उन्होंने बताया खेती किसानी के बाद कोई काम नहीं है, इसलिए मजबूरी में अपनी जीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। वही ठेकेदार से जानना चाहा तो ठेकेदार मौके पर नहीं था, वहां तो मुंशी के द्वारा कार्य कराया जाता है। इस तरह का कार्य हो रहा है, न ठेकेदार को पता है और न ही विभाग के इंजीनियर को पता, तो आप ही अंदाजा लगा लें निर्माण कार्य की कितनी गुणवत्ता से काम चल रहा है। अधिकारियों को फोन लगाकर जानना चाहा तो अधिकारियों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। पहले तो इस बात की पुष्टि करनी होगी कि ये पत्थर जो वो चोरी कर रहे हैं ये वन क्षेत्र से ला रहे हैं कि राजस्व क्षेत्र से ला रहे हैं। इस बात को जब तक हम लोग पुष्टि नहीं कर लेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ये वन क्षेत्र से लाते हैं और बिना अनुमति के किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इसके लिए पूरा प्रावधान है। निर्माण कार्य में जंगल के पत्थरों का किया जा रहा उपयोग। कुर्दर मार्ग पिचिंग साइट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जंगलों से पत्थर इकट्ठा कर निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा है, जो कि नियमतः गलत है, लेकिन अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर मेहरबान होने की वजह से ठेकेदार द्वारा मनमानी कर सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बेलगहना से विजय केशरवानी, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।